खबर गुरबाणी के सीधे प्रसारण के नाल जुड़ी हुई है अते नाल ही पीटीसी चैनल दे मिस पंजाबन शो दे विवाद दे नाल भी जुड़ी हुई है। पहला थानू दस दिने आ कि पीटीसी चैनल ने श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार नू एक चिट्ठी भेजी है। पीटीसी नैटवर्क दे अधिकारियां दे वल्लों इस भेजी गई चिट्ठी दे विच पीटीसी नैटवर्क ते लगे दोषां दे मामले दी अपने पद्धर ते जांच करवाउण दी अपील कीती गई है। यह चिट्ठी अकाल तख्त साहिब दे सकत्तरेत पहुंची है, जिसकी अधिकारियों ने पुष्टि भी की है। चिट्ठी दे विच उन्होंने जथेदार साहिब नू पीटीसी नैटवर्क टीम दीआं सेवावां ध्यान विच रखदिआं होइआं इस पूरे घटनाक्रम की जांच अपने पद्धर ते करवाउण दी अपील की है। यानी कि पीटीसी चैनल के अधिकारी चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों करवाई जाए। ते नाल ही गुरबाणी प्रसारण के मसले नूं लैके उन्होंने कहा है कि गुरबाणी का प्रसारण साडे लई सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक सेवा है, मिशन है अते साडी जिंदगी भी है अते इस नूं असीं जारी रखांगे। ते इह जिहड़ी चिट्ठी लिख के उन्होंने सेवा जारी रखण की गल की है, इहदे विच अपील नहीं की गई बल्कि गल की गई है कि असीं इस नूं जारी रखांगे, साडे लई बहुत अहमियत रखती है। सो इह चिट्ठी उस समय दरम्यान लिखी गई है जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों अपना यूट्यूब चैनल शुरू करन दे लई गुरबाणी दे सीधे प्रसारण दे वास्ते खास तौर ते पूरियां तैयारियां कीतियां जा रहियां ने अते जल्दी ही सैटेलाइट चैनल दे लई भी लाइसेंस अप्लाई कीता जाऊगा। भारतीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय नूं इह जिहड़ी फाइल है उह भेजी जाएगी तां कि एसजीपीसी नूं लाइसेंस मिल जावे सैटेलाइट चैनल चलाउण दे लई। सो इस दरम्यान इह जिहड़ा मसला है इह किते होर डूंघा विवाद तां नहीं बन जाऊगा, इस बारे हुण सवाल खड़े हुंदे ने क्योंकि पीटीसी चैनल एक तरीके दे नाल कह चुक्या कि असीं अपना जिहड़ा प्रसारण है उह जारी रखना चाहुंदे हाँ जां फिर जारी रखांगे। ते इत्थे उलझण वाली गल एक होर इह वी बणदी है कि पीटीसी चैनल दे नाल जिहड़ा करार है गुरबाणी दे सिद्धे प्रसारण दा उह 2023 दे विच खत्म होणा, हुण 2022 है ते जे एसजीपीसी हुण उहनां तों इह अधिकार वापस लैंदी है तां की कोई होर पेचीदगी सामने आ सकती है, इह वी देखण वाली गल है। इस दरम्यान जिहड़ा मिस पंजाबन विवाद है उस एम डी रविंदर नारायण नूं पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हां दी मुश्किलां लगातार वध रही ने क्योंकि उन्हां दी जमानत अर्जी भी रद्द कर दिती गई है मोहाली अदालत दे विच। कल उन्हां दी रेगुलर जमानत की अर्जी मुंडों अदालत ने रद्द कर दिती। इस तों पहलां उन्हां नूं 14 दिनां दी न्यायिक हिरासत विच जेल भेज दिता गया सी ते उस तों भी पहलां 2 दिन दे पुलिस रिमांड ते फिर 3 दिन दे पुलिस रिमांड ते रविंदर नारायण नूं पंजाब पुलिस ने लिया सी। ते इस मामले दे विच नामजद मुख मुलजमान नैंसी घुम्मण अते उसदा पति भुपिंदर सिंह इन्हां दोवां दी अगाऊं जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दिती है। हालांकि इस मामले दे विच बाकी जिहड़े मुलजम नामजद किए गए ने उन्हां नूं भगौड़ा करार देण लई पंजाब पुलिस ने भी अपील की सी। अदालत ने उस अपील नूं उस पटीशन नूं भी रद्द कर दिता है जिस दे विच मंग की गई सी कि जिहड़ी नैंसी घुम्मण है उसका पति भुपिंदर सिंह है ते सहायक डायरैक्टर निहारिका जैन है, होटल का एम डी लक्ष्मण, इन्हां समेत जिन्ने भी मुलजम ने उन्हां सारिआं नूं भगौड़ा करार दिता जाए, यह पंजाब पुलिस ने मंग की सी। पर अदालत ने इस मंग नूं छापेमारी की जा रही है। पीड़ित लड़की का सीआरपीसी की धारा 164 तहत बयान दर्ज किया गया सी, जिसके तहत पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है। पर मैनेजिंग डायरेक्टर रविंदर नारायण तो बिना होर कोई भी मुलजम हाथ नहीं लग्या। इस दरम्यान पीटीसी नैटवर्क के नाल काम करते जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने वालों सोशल मीडिया कैंपेन भी शुरू की हुई है। आई स्टैंड विद पीटीसी नैटवर्क, आई स्टैंड विद रविंदर नारायण। रविंदर नारायण की जो शख्सियत है, जो चैनल दे विच माहौल है, उसनू लैके मुलाजमां दे वल्लों लगातार पोस्टां कीतियां जा रहियां ने अते नाल उन्हां दे डट के खड़े दिखाई दे रहे ने सारे मुलाजम तकरीबन के रविंदर नारायण ने जिहड़े इस तरह के धंधे दे विच शामिल नहीं हो सकते, उन्हां नू झूठे केस दे विच फसाया जा रहा है। इत्थे पीटीसी चैनल दे विच कुड़ियां दी जिहड़ी पूरी तरह दे नाल सुरक्षा हुंदी है, सुरक्षित माहौल दे विच काम करदे ने, इस तरह दीआं पोस्टां ने जिहड़ियां ओह देखण नूं मिल रहियां ने।